कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 जिसको लेकर आए दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट सामने आता रहता है। इस बीच अब फिल्म को लेकर एक लेटेस्ट खबर सामने आई है। क्या है कार्तिक की फिल्म को लेकर ये खबर, चलिए जानते हैं। वेल, जिस दिन से भूल भुलैया 3 का ऐलान हुआ है तब से ये फिल्म सुर्खियों में है। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता है। बता दें फिल्म कुछ ही महीनों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के कुछ स्टार कास्ट का खुलासा हो चुका है और कुछ का खुलासा होना बाकी है। इसी कड़ी में एक और एक्टर का नाम सामने आया है जो डायरेक्टर अनीस बज्मी की फिल्म का हिस्सा होंगे। भूल भुलैया 3 के लिए कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी और विद्या बालन का नाम कन्फर्म है। फिल्म की शूटिंग भी कोलकाता में शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों पहले फिल्म स्टार कास्ट में माधुरी दीक्षित के नाम होने की भी खबर आई। अब एक और मशहूर एक्टर के भूल भुलैया 3 का हिस्सा बनने की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, एक्टर विजय राज भूल भुलैया 3 का हिस्सा होंगे। विजय राज कौन सी भूमिका में नजर आएंगे इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये तय है कि वे सिल्वर स्क्रीन पर एक अहम और दिलचस्प किरदार में नजर आएंगे। बता दें आपको, विजय राज ने कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाई है। उनकी हालिया रिलीज श्रेयस तलपड़े के साथ करतम भुक्तम है। विजय राज ने डेली बेली, धमाल, रन, गंगूबाई काठियावाड़ी, ड्रीम गर्ल 2 जैसी कई फिल्मों में काम किया है। बता दें भूल भुलैया का फर्स्ट पार्ट 2007 में रिलीज हुआ था जिसमें अक्षय कुमार ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। वही साल 2022 में रिलीज हुई भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में थे। फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। वही अब इसका तीसरा पार्ट यानी भूल भुलैया 3 साल 2024 में दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। खैर, फिल्म में विजय राज की एंट्री से आप कितने खुश हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।